नमस्कार, मैं सत्येंद्र महाराज, व्याख्याता राजनीति विज्ञान विभाग, नोहर डिग्री को नोहर। आप सबको विदित है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, यहाँ की सभी संस्थाएं पूर्णतया बंद है। इसलिए इस महाविद्यालय ने छात्रों को हित में रखते हुए यूट्यूब चैनल का निर्माण किया है, जिसमें मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं बी ए पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा। मुझे आशा है कि आपकी परीक्षा में ये सहायक सिद्ध होंगे। बी ए पार्ट के फर्स्ट प्रश्न पत्र में जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है, जिसमें सबसे पहला विचार प्लेटो। प्लेटो बहुत ही महान विचारक था। प्लेटो में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है प्लेटो का न्याय। तो प्लेटो का न्याय टॉपिक करने से पहले मैं आपको प्लेटो के जीवन के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ, शॉर्ट में बताऊंगा, विस्तार से नहीं। तो प्लेटो का जन्म एथेंस के कुलीन परिवार में हुआ था। प्लेटो का जन्म 428 ईस्वी पूर्व हुआ था। आप सभी जानते हैं कि इसके माता थी वो सोनल राजघराने की थी। प्लेटो को सागर बुद्धि का था। प्रारंभ से ही प्लेटो राजनीति परिवार में से होने के कारण, राजघराने से होने के कारण राजनीति में जाना चाहता था, लेकिन वो गया नहीं। प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा के बाद अरस्तु की कीर्ति से प्रभावित होकर प्लेटो सुकरात के शिक्षणालय में प्रवेश लिया और अपनी शिक्षा पूरी की। प्लेटो का नाम वास्तव के नाम अरिस्तोकलिस था, लेकिन उसके शिक्षकों ने उसके भारी कंधों के कारण, लंबे चौड़े शरीर के कारण उनका नाम प्लेटो रख दिया और कालांतर में यही नाम प्रसिद्ध हो गया। प्लेटो के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ जब 28 वर्ष का था, 399 ईस्वी पूर्व में आया था, जब उसके शिष्य सब उसके गुरु उसकी नज़र में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, उसकी नज़र में विश्व का सबसे महान पुरुष, उनको मृत्युदंड दिया गया था और उसकी नज़र के सामने सुकरात को विष का प्याला पीना पड़ा था। सुकरात की मृत्यु के बाद उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया था। सुकरात की मृत्यु के कुछ समय बाद वह रहा, लेकिन वह ज्यादा दिन वहां नहीं रह सका और विश्व में सबसे महत्वपूर्ण शासन की खोज में निकल पड़ा। कहते हैं कि पूरे विश्व में घुमा था, इटली, यूरोप, मिस्र, और कहते हैं कि भारत में गंगा नदी के तट तक प्लेटो आया था। 11 वर्ष तक घूमने के बाद प्लेटो की पितृभूमि ने सताया और वह एथेंस लौट आया। एथेंस लौटने के बाद में उसने अपना शिक्षणालय खोला, अकादमी खोली, जो वस्तुतः यूरोप का पहला विश्वविद्यालय था, जहां पर कानून, राजनीति, सभी प्रकार की शिक्षाएं प्रदान की जाती थी, लेकिन गणित और ज्यामिति शास्त्र पर ज्यादा जोर दिया जाता था।
उसके शिक्षण संस्था पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि ज्यामिति से अपरिचित व्यक्ति यहां प्रवेश न करे। और जहां तक प्लेटो का सवाल है, वो 347 ईस्वी पूर्व यानी जब 21 वर्ष का था उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके पीछे सैकड़ों विद्यार्थी थे जिसमें एक अरस्तु भी था। अब आपको ये विस्तार से नहीं लिखना है, लेकिन ये कुछ बातें इसकी बारे में लिखनी होती है। उसके बाद में आप जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत के बारे में बताइए, तो उससे पहले बताने से पहले जो प्लेटो है वो पूर्व प्रचलित सिद्धांतों के बारे में बताता है, उसको आलोचना भी करता है। मैं यहाँ पर ज़्यादा विस्तार से नहीं बताऊँगा, सिर्फ आपके आपको उसके टॉपिक्स बारे में बताऊँगा। जैसे आपने आपने पढ़ा होगा, क्लासें लगाई हैं हमने, तो उससे पूर्व में तीन धारणाएं प्रचलित थी न्याय की। जो न्याय की तीन धारणाएं प्रचलित थी उसमें उससे पहले हम एक उसकी कृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसकी कृतियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है रिपब्लिक, दूसरी है स्टेट्समैन और तीसरी है लॉज। बहुत सी कृतियां थी लेकिन ये महत्वपूर्ण हैं तीन। इसके बाद जो न्याय सिद्धांत में न्याय सिद्धांत था प्लेटो का, उससे पहले हम ये बात करते हैं कि वहाँ पे कौन सी पद्धति प्रचलित थी। सबसे पहले थी परंपरागत। परंपरागत पद्धति जिसका प्रतिपादन किया था पॉलीमैक्स थ्रेसिमेक्स, दोनों ने किया था, थ्रेसिमेक्स और उसका पुत्र था पॉलीमैक्स, दोनों ने किया था। और प्लेटो ने इसकी आलोचना भी की थी। दूसरी पद्धति थी वो थी क्रांतिकारी सिद्धांत। जो क्रांतिकारी सिद्धांत था वो थ्रेसिमेक्स का था। और तीसरा था कार्यकरण का सिद्धांत जो ग्लाउकोन ने प्रतिपादित किया था। लेकिन प्लेटो तीनों की आलोचना करता है, उसके बाद में अपनी पद्धति बताता है कि न्याय क्या है। प्लेटो का जो न्याय है आज वर्तमान के न्याय से बहुत ही अलग था। वर्तमान में कानूनी न्याय है, वैधानिक न्याय है, लेकिन प्लेटो का न्याय नैतिक न्याय था। वो जो न्याय था वो आत्मा से जुड़ा हुआ था। तो इस बारे में हम जब बात करते हैं तो टॉपिक लिखते हैं प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो दो रूपों में वर्णन करता है, व्यक्तिगत न्याय और दूसरा था राज्य का न्याय या सामाजिक न्याय। जो व्यक्तिगत न्याय है उसने उसमें प्लेटो कहता है कि व्यक्ति में तीन गुण प्रधान होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बुद्धि, दूसरा शौर्य और तीसरा इंद्रिय तृष्णा। ये प्लेटो कहते हैं कि सभी व्यक्ति में होता है, लेकिन एक निश्चित अनुपात में ये तीनों जो विद्यमान होते हैं तो ही व्यक्ति न्यायी हो सकता है। प्लेटो राज्य के चार गुण बताता है। राज्य के चार गुण क्या बताता है? बुद्धिमता, साहस, इंद्र तृष्णा और न्याय। ये राज्य के तत्व है चार। उसके बाद बात करता है राज्य का सिद्धांत यानी सामाजिक न्याय।
सामाजिक न्याय के बारे में क्या कहता है कि ये जो सिद्धांत है वो व्यक्ति का ही वृहद रूप है, जो राज्य है वो व्यक्ति का ही वृहद रूप है, मस्त का ही वृहद रूप है। सामाजिक न्याय में व्यक्ति व्यक्तियों को तीन वर्गों में बांट देता है, तीन वर्गों में बांटना है। सबसे पहला होता है बुद्धि, यानी शासक वर्ग, जो अपनी बुद्धिमत्ता से वो शासन करता है, उसमें बुद्धि की मात्रा प्रधान होती है। दूसरा है क्षत्रिय वर्ग, उसमें सूर्य की मात्रा प्रधान होती है, ये प्रशासक वर्ग की सेना होती है जो राज्य की रक्षा करता है। तीसरा वर्ग है उत्पादन वर्ग, उत्पादन वर्ग में व्यापारी, शिल्पी, सभी प्रकार के लोग आते हैं जो उत्पादन होते हैं। प्लेटो ने उत्पादक वर्ग को प्रधान माना है क्योंकि उत्पादक वर्ग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। उसके बाद में जो प्लेटो कहता है, जब ये